नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं नए अपडेट के साथ में नागपुर का फेमस फुटाला, जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाउंटेन बनने जा रहा है। और आप देख सकते हो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अब एक नया वायुसेना का यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि जिनको हेलीकॉप्टर देखने का एक सपना होता है ना, कि करीब से हम देख पाए और मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ नागपुर में आपको ये मौका जो है मिलेगा और यहाँ पे सेल्फी लेने का भी एक चांस आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है और इसकी फिटिंग का काम चालू है, कल ही इसे यहाँ पे लाया गया है। ये चीज़ें सीक्रेट रखी गई थी ताकि भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए हमें भी इसके बारे में भनक नहीं लगी कि जो यहाँ पर है हेलीकॉप्टर लगने वाला है, क्योंकि इसके पहले हम कंटिन्यू अपडेट देते आ रहे हैं, कंटिन्यू काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने लेकर आए हैं फुटाला के शुरू से लेके। तो हमारे ही वीडियो सबसे पहले जो है वायरल हुए थे नागपुर में भी, फुटाला के ऊपर यूट्यूब पे हमने डाला था, लेकिन ये जो है एकदम सीक्रेट रखा गया था, इसलिए जब कल शाम को इसको फिटिंग की गई तो पता भी नहीं चला, इसलिए आज मैं आया हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया है। और इसके बारे में इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूँ तो ये रशिया में इसको बनाया गया था और 1980 में वायुसेना में भर्ती हुआ था, और तब से इसमें 40 साल जो है वायुसेना में रहा है। और काफ़ी सारे नेताओं को, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी इसमें जो है सफ़र किया है, और भी काफ़ी सारे नेता लोगों ने जो है इसमें सफ़र किया है और जो है यात्रा की गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि करीब से हमें देखने को मौका मिला। तो अगर आप नहीं आए हो ना तो एक बार ज़रूर आइए। और इसकी जो इसका जो वज़न है ना, ये 12 टन है, और ये कैपेसिटी अगर लोडिंग की बात करें तो 4 टन ये अपने साथ में ले जा सकता है, तो इसकी इतनी कैपेसिटी भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो अगर आप नहीं आए हो ना तो एक बार ज़रूर आना दोस्तों, और नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही नागपुर के लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।